अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सबा फ्रॉम मैडम बेकर कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मल्टीपर्पज़ और बहुत ही डिलीशियस सॉस। हम बनाएंगे कमर्शियल वे में कैरमल सॉस। जी हाँ, सिर्फ 3 चीज़ों से हम बनाएंगे हमारा कैरमल सॉस। और ये सॉस को आप हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते हो, डेजर्ट्स में, पुडिंग्स में, आइसक्रीम्स में, चॉकलेट्स में, केक्स में और बहुत सारी चीज़ों में। हम आज इसे बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। इसमें ना हम यूज़ करेंगे ना मिल्क, ना बटर और ना क्रीम। तो भी बहुत ही प्रोफेशनल वे में हमारा ये सॉस बन के रेडी होगा। तो हमारी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके इसे ऑल पे कर दीजिए। तो चलिए हमारी ये मैजिकल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ गैस पे मैंने रख दिया है हमारा एक पैन। ट्राई करिए आप कि आप नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करें। और थोड़ा सा हम हल्का सा पहले पैन को गर्म कर लेते हैं, ताकि जो भी उसमें थोड़ा बहुत पानी अगर है तो वो सूख जाए, क्योंकि हमें पैन बिल्कुल ड्राई चाहिए। तभी हम देखते हैं, यस, हमारा पैन थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप शक्कर। ठीक है, यह हमारा 1 कप शुगर है। ये हमारी घर की जो शुगर होती है, वो वाली शुगर है ये। अब हम इसके अंदर डाल देंगे और आप इसे तुरंत इस तरह फैला दें। ओके, ये देखिए ये फैल गई है। और अब हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये जब थोड़ी थोड़ी अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट होगी, तब हम इसमें स्पून चलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये अब साइड साइड से थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मेल्ट हो रही है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर हिलाएंगे हमारा स्पून। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आप इसके अंदर स्टील का स्पून बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शुगर पूरी जाके स्पून पर स्टिक हो जाएगी। आपको या तो वुडन स्पून यूज़ करना है, या फिर आप यूज़ करेंगे इस तरीके का रबर स्पैचुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह हम इसे मिक्स करते हुए इसे मेल्ट करेंगे। गैस को ज़्यादा फास्ट नहीं रखना, वरना शुगर जल जाएगी। ठीक है, इसी तरह हिलाते हुए हम इसे मेल्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने स्पून से हिलाते हुए शुगर को मेल्ट कर लिया है और बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। देखिए इसमें कोई भी ग्रैनुल्स नहीं बचे हैं, बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। ये देखिए। और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर गरम पानी। ठंडा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे गरम पानी। जैसे कि मैंने 1 कप शुगर लिया है, तो मैं इसके अंदर डालूँगी 3/4 कप पानी। ये देखिए ये मेरा गरम पानी है। और बिल्कुल हाथ को बचाते हुए आप काम करेंगे, क्योंकि इस तरीके से बहुत उड़ता है ये। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और अब हम इसे तुरंत चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है हमारे ये शुगर मिक्सचर में। देखिए कोई भी शुगर लम्स नहीं है इसके अंदर, सब बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अच्छे से वाटर और शुगर भी मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। ये मैंने 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ये हमने इसमें डाला और अब हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसे पकाएंगे, जब तक यह थोड़ा थिक ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह हिलाते हुए, और ये पूरे प्रोसेस में मेरी गैस की फ्लेम मीडियम है। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमने इसे मिक्स ही किया है अभी तक का। और ये देखिए ये थोड़ी थिक हो गई है। अब जब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देंगे, तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगी। परफेक्ट वैसी थिक हो जाएगी जैसे हमें कैरमल सॉस चाहिए। और एक बात का आप ध्यान रखें, जो मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर मिक्स किया था पानी में, वो वही 3/4 कप में से मैंने लिया था जो हमने शुगर के अंदर डाला था गर्म पानी। ओके, 3/4 में से थोड़ा पानी मैंने लेकर
इसमें हमारा कॉर्नफ्लावर पाउडर मिक्स कर लिया था। अब हम यहाँ पर बंद कर देते हैं हमारी गैस को और इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कैरेमल सॉस बन के रेडी है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना थिक बना है ये देखिए, और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। सिर्फ 3 चीज़ों से हमारा इतना बढ़िया सा कैरेमल सॉस बन के रेडी है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये पूरे प्रोसेस में आपको शुगर को जलने नहीं देना है, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरी अपकमिंग न्यू वीडियो का इंतज़ार करिए। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए सोच कर रखें और बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ अभी और आने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।